मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या हमें कुत्ता पालना चाहिए या नहीं, क्या हमें डॉग पेट रखना चाहिए या नहीं। बहुत से लोग इंडिया में डॉग्स को अपना पेट इसलिए नहीं रखते कि उन्हें अपने घर की रक्षा करनी है या अपने फैमिली को सेव करना है किसी भी तरीके की क्राइम से, या फिर उनको कि भाई जो है लव एंड अफेक्शन है डॉग्स के लिए। और मैंने बहुत से लोग देखा है वो डॉग इसीलिए पालते हैं क्योंकि उनकी कुंडली में उन्हें किसी पंडित ने बता दिया है कि आप वो डॉग को खाना खिलाएं, डॉग को पालें, डॉग पेट रखें, ब्लैक रंग का रखें, वाइट रंग का रखें, उससे उनका केतु शांत हो जाएगा या उनका राहु शांत हो जाएगा या उनको और कोई बेनिफिट मिल जाएगा। ये लोग कुंडली पढ़ के डॉग ले तो आते हैं पर बाद में उनसे डॉग नहीं संभलता, और फ्रैंकली स्पीकिंग मैं भी उनमें से एक हूँ और मैंने भी यही किया। कुंडली देखी, लाल किताब मेरी बनाई किसी पंडित ने, उसने पूरी फैमिली की लाल किताब में हर एक के में एक ही लिख दिया, किसी के में लिख दिया ब्लैक डॉग पालें, किसी के में लिख दिया वाइट, किसी के में लिख दिया ब्राउन, किसी के में लिख दिया ब्लैक एंड वाइट। तो उससे किसी को कुछ बेनिफिट बता दिया, किसी को कुछ बेनिफिट बता दिया, उस चक्कर में मैं भी डॉग्स ले आया। और बहुत से लोग अक्सर मेरी तरह गलतियां करते हैं, हम डॉग्स लाके सिर्फ इस पर्पज़ के लिए कि हमारी कुंडली में ही लिखा है और उससे हमें बेनिफिट मिलेगा। हम ये भूल जाते हैं कि डॉग इज़ नॉट अ कमोडिटी, इट्स नॉट अ आइटम, इट्स नॉट कोई ऐसी कोई वो नॉन लिविंग थिंग नहीं है जिसको आपने लाए और अपने घर के किसी कोने में सजा के रख दिया। वो एक लिविंग क्रीचर है और हम किसी की माँ से उसका बच्चा छीनते हैं, उसको डिप्राइव करते हैं उसके मदर के अफेक्शन से और अपने पास ले आते हैं। कुछ टाइम जब वो छोटा होता है तो हमें बड़ा प्यार आता है क्योंकि वो बहुत क्यूट होते हैं बचपन में, और जैसे जैसे डॉग बड़ा होता है हमारे लिए वो ही सरदर्द बन जाता है। सबसे बड़ी सरदर्द की चीज़ बन जाती है उसका शिट करना, और ऑब्वियसली वो करेगा क्योंकि वो एक जानवर है, एक लिविंग क्रीचर है, कोई वैसी कम्युनिटी नहीं है, नॉन लिविंग कम्युनिटी नहीं है। जब हमारा घर में उसको संभालना मुश्किल हो जाता है क्योंकि एक लाइबिलिटी तो बढ़ी जाती है डॉग, इट्स नॉट कि आप खाली इशू शिट का है, उसकी मेडिसिन का भी है, उसके रेगुलर इंजेक्शंस लगवाने का भी है, वैक्सीनेशन का भी है, वो बीमार भी पड़ता है, उसको भूख भी लगती है और साथ में उसको प्यार भी चाहिए। तो जब मोस्ट ऑफ द लोग जो बहुत ज़्यादा तंग आ जाते हैं इन सबसे, क्योंकि लाइबिलिटीज़ एक नहीं है, लाइबिलिटीज़ काफ़ी है कि एक पूरा ज़िंदा इंसान है, जानवर है जिसको आप पाल रहे हो एक बच्चे की तरह, जैसे कोई हैंडीकैप बच्चा हो जो कहीं जा नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता, उसे आपकी ज़रूरत है हर मिनट के लिए। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं, आप अपना घर छोड़ के नहीं जा सकते क्योंकि आपके पीछे से डॉग है, आपको उसको खाना खिलाना है, अगर आप नहीं होंगे तो कौन खिलाएगा, आपको दोनों टाइम उसको पॉटी करानी है, टॉयलेट कराना है, और अगर जब वो घर में करने लग जाता है या क्योंकि उसे कभी भी आ गई बिकॉज इट्स ऑर्डिनरी नॉर्मल कोर्स ऑफ नेचर, तब प्रॉब्लम खड़ी होती है। घर वाले भी नाराज़ होते हैं कि भाई ये क्या, ये क्यों ले आए, सारे घर में बदबू हो रही है, ये जहाँ जहाँ शिट कर देता है। तो ये एक ऐसा इशू है जो वो जितना भी वो पूरा उपाय था उसको नल एंड वॉइड कर देता है, उसे ख़त्म कर देता है, क्योंकि उपाय का तो बेनिफिट पता नहीं मिला या नहीं मिला। ये परेशानियाँ ज़रूर खड़ी हो जाती हैं कि आपको हर वक्त जो है उसको बाहर पॉटी कराने के लिए लेके जाना है, उसके लिए खाना बनाना है, उसकी दवाई करानी है, उसको नहलाना है, उसको टाइम भी देना है। जिन लोगों को ये पसंद है या जिनके घर में सर्वेंट्स हैं उनका तो चलो काम चल जाता है, पर जिनके घर में सर्वेंट्स नहीं हैं या जो वर्किंग है जिनके पास टाइम नहीं है, उनके लिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है और हो जाती है। मैंने खुद इस चीज़ को फेस किया, और मैं एक वर्किंग पर्सन हूँ, मैं एक इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ जैसे कि आप जानते हैं, और मुझे हर वक्त कहीं ना कहीं जाना होता है, और मेरे पास दो डॉग्स हैं, अब आप खुद ही सोचिए, और वो जगह जगह घर में शिट कर देते हैं, टॉयलेट कर देते हैं, और यहाँ तक कि मैं उन्हें बाहर वॉक पे लेके जाता हूँ जब भी, बिकॉज कम ऑन, हम उन्हें किसी भी इंसान को या किसी जानवर को ये नहीं तो नहीं कह सकते ना कि आप दो टाइम से ज़्यादा नहीं बाथरूम जा सकते। तो ये सबसे बड़ा इशू है, और इसीलिए मैं बस यही बात कहना चाहता हूँ कि डॉग इसलिए ना पालें क्योंकि आपको किसी गुरु ने बोला है या किसी कुंडली वाले ने बोला है, क्योंकि आपको उपाय का फ़ायदा हो ना हो आपको ये नुकसान बहुत ज़्यादा होगा। पहला आपकी लाइबिलिटीज़ बहुत बढ़ जाएंगी, आपके काम बढ़ जाएंगे,
अगर आप डॉग को सही तरीके से नहीं एडजस्ट करवा पा रहे हैं एनवायरनमेंट में तो आपको परेशानी है, एडजस्ट करा लेते हैं तो भी एक आपको उसी हिसाब से अपना पूरा रूटीन बदलना होगा। घर को जब डॉग छोटा होता है तो उसको पप्पी प्रूफ भी करना पड़ता है कि ताकि वो कोई भी चीज़ काटे ना, क्योंकि अक्सर देखा गया है ऐसे घरों में डॉग्स जो है जो भी चीज़ें काट देते हैं, चाहे वो चप्पल है चाहे सॉक्स है कुछ भी है। और जो डॉग से रिलेटेड सबसे बड़ी जो रेबीज़ का इशू है वो तो है ही, उसको तो आप डिनाई कर ही नहीं सकते, चाहे आप कितनी वैक्सीनेशन डॉग को लगवा लो या ख़ुद को लगवा लो। और हर साल की बूस्टर डोज तो आपको लगवानी ही पड़ेगी अपने आप को सेव करने के लिए, अपनी पूरी फैमिली को सेव करने के लिए। प्लस जो डॉग का सलाइवा होता है, आप उसको प्यार भी करते हो, उससे चटवाते भी हो, तो आपको खुद नहीं पता कि कितने ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कितना ज़्यादा जर्म्स आपके हाथ में आते हैं। और अगर आप ऐसे लोग हो जो डॉग्स को प्यार करके अपने कोई हाथ वाथ नहीं धोते या जस्ट कैरी ऑन ऑल योर डेली हो, तो आप और भी ज़्यादा रिस्क पे हो। एंड सबसे बड़ी बात है कि और ऐसे लोग हम, मैं अपने आप को ऐसा इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि मैंने प्रॉब्लम्स फेस करी, पर मैं अब उसी के साथ मैंने एडजस्ट कर रहा हूँ, मुझे अपने लाइफ उस हिसाब से ढाल ली, अपना वर्क एनवायरनमेंट उस हिसाब से ढाल लिया कि मैं उन दोनों का ध्यान रख सकूँ। पर मैंने इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकाई। अगर मैं डॉग्स को लाने की बजाय बाहरी किसी स्ट्रे डॉग को बाहरी कुछ खिला देता तो मेरी लाइबिलिटी काफ़ी कम होती और उपाय भी हो जाता। हम अक्सर यही गलती करते हैं, अगर आपके कोई गुरुजी कहते हैं कि भाई कुत्ता पालें उससे आपको फ़ायदा होगा, तो इससे बेटर इतने सारे गली में स्ट्रे डॉग्स हैं, आप उनको बाहर की बार जो भी आपने फीड करना है, बिस्किट्स हैं, मिल्क है और राइस है, आप वहाँ कीजिए, एग्ज़ है, बट घर में मत पालिए। इट्स रियली, आप समझ नहीं सकते जिन लोगों के पास खासकर सर्वेंट्स नहीं है या फिर ज़्यादा लोग नहीं है घर में, कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है एक डॉग को संभालना। और मेरे पास तो घर दो दो हैं, तो मैं अपना खुद भुक्त भोगी हूँ। मैं खुद इस चीज़, मैं पहले इजीली कहीं भी जा सकता था, आ सकता था, मुझे कोई इशू नहीं था। अब मेरे डॉग्स, मैंने पहले अपना, मेरे पास दो फ्लोर्स हैं, मैंने ऊपर वाला फ्लोर अपना रेंट पे दे रखा था, डॉग्स लाने के बाद मुझे वो वेकेट कराना पड़ा क्योंकि मेरे डॉग्स हर वक्त स्टेयर्स पे, छत पे, टेरिस पे, हर जगह घूमते हैं। अब मैं किसी भी जानवर को बांध के 24 घंटे नहीं रख सकता, ये मेरे अंदर नहीं है। मैंने बहुत फैमिलीज देखी हैं जो डॉग्स लाते हैं और उन्हें चेन से बांधे रखते हैं, और सिर्फ वो चेन जो है उस जब ही खुलती है, जब कुछ या तो उसने कोई उसको सैर पर ले जाना हो उस टाइम भी वो ओनर के हाथ में होती है, एंड देन अगेन ही इज़ बैक चेन्ड इन द हाउस। तो फिर वो तो एक तरीके से जेल हो गई। आप फिर कुत्ता नहीं पाल रहे, आप किसी कैदी को सज़ा दे रहे हो। मेरे यहाँ तक कि नेबर में ही एक लोग इंसान है, उसने डॉग पाला हुआ है, वो पूरे दिन डॉग बाहर उसके वरांडा में बंधा रहता है गेट से, और जब उसका पॉटी का टाइम होता है उसको ले जाता है चेन से और करवा के वापस वहीं बांध देता है, वहीं उसको खाना मिल जाता है। तो इट्स अ जेल। और अगर वो फिर वो डॉग रो रहा है, अगर उसकी आत्मा दुखी हो रही है, तो आपका भला तो मेरे ख्याल में, मुझे पता नहीं होगा कि नहीं, पर बुरा ज़रूर हो जाएगा। और मैं आज उनसे पूछता हूँ, अपने गुरु से, कि आपने मुझे कहा कि काला कुत्ता पाले, मेरे घर वालों के लिए, मेरे सिस्टर के लिए क्या दिया, सफ़ेद कुत्ता पाले, फादर को क्या दिया, काला सफ़ेद मिक्स ब्रीड पाले, और मैं आपकी बात मान के मैंने दोनों चीज़ें ट्राई करी। मिक्स ब्रीड भी मैं पाल चुका, और ये मैं ब्लैक और गोल्डन भी मैंने पाला, वाइट भी पाला, और मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही, मुझे फ़ायदा कुछ नहीं हुआ, 1% फ़ायदा नहीं हुआ, और सिर्फ मेरी लाइबिलिटीज़ बढ़ी, मेरी लाइफ में इश्यूज बढ़े। जो मेरे पास अच्छे वाले सर्वेंट्स थे वो काम छोड़ गए कि हम चटनी उठाएंगे, मुझे अलग से एक्स्ट्रा पैसे दे के सर्वेंट्स रखने पड़े, मैं कहीं जा नहीं सकता, और कभी ना कभी वो दो हैं अपने आप को चोट वगैरह लगा लेते हैं, झगड़ लेते हैं, तो फिर डॉक्टर को लेकर भागना पड़ता है, अपनी वैक्सीनेशन, उनकी वैक्सीनेशन। और आप बिलीव करोगे किसी भी डॉग की वैक्सीनेशन एक इंसान से ज़्यादा महंगी है। अगर कोई भी नॉर्मल इंसान किसी फिजिशियन को दिखाने जाता है तो ज़्यादा 300 रुपये, 400 रुपये, 200-300 रुपये लगते हैं मेरे ख्याल में, और जब मैं अपने डॉग को लेके जाता हूँ वो कम से कम 700-800 रुपये लेता है एक डॉग के वैक्सीनेशन वगैरह के नाम की कर करा के 1600-1700 का बिल देता है। इट्स, और मेरी सबसे बड़ी गलती ये रही कि मैंने डॉग को एक उपाय समझा, एक सॉल्यूशन समझा अपनी प्रॉब्लम दूर करने का, कि भाई मेरे ये ग्रह शांत हो जाएगा, मेरा राहु शांत हो जाएगा, मेरा केतु शांत हो जाएगा, और वो ही मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। अगर मुझे डॉग पालना था तो मुझे एज अ
मुझे जब पालना चाहिए था, जब मैं उसको लाऊं एक एज अ सोर्स ऑफ अफेक्शन के तौर पे, एक सोर्स ऑफ ह्यूमैनिटी के तौर पे, एक अपने मन से, दिल से, बट नहीं, मैं उन्हें लाया अपने रेमेडी के लिए और आज मैं परेशान हूँ बिकॉज इट्स, मैंने कोई अपना उपाय राहु और केतु का तो हुआ नहीं, क्या राहु केतु और दृष्टि हो गया आई गेस। मैं अपनी तरफ से उनका पूरा ध्यान रखता हूँ, उनको अच्छे से अच्छा खिलाता हूँ, उनको वैक्सीनेशन प्रॉपर कराता हूँ, बट मेरी खुद की पर्सनल लाइफ ख़त्म है। मुझे इतना ही, इतना भी टाइम नहीं मिलता कि मैं अपने लिए वक्त निकाल सकूँ, और ये खासकर उन फैमिलीज़ में ज़्यादा होता है जो न्यूक्लियर फैमिली है, क्योंकि और ख़ासकर जब जब बाकी फैमिली मेम्बर्स आपको कोऑपरेट नहीं करते, वो कहते हैं कि आप डॉग ले आए, आप अपनी मर्ज़ी से लाए, अब आप खुद देखो, खुद निपटो। तो आपसे बस मैं यही गुजारिश करूँगा कि आप डॉग जब पालें, जब आप दिल से पालना चाहते हैं, मेरी तरह बेवकूफ़ी ना करें कि किसी ने कुंडली में कहा कि लाल किताब में बोल दिया कि ग्रह का बोल दिया कि डॉग पालें और आप जाके डॉग को ले आए, बिल्कुल भी ये मिस्टेक ना करें। ये ना भूलें, वो एक क्रीचर, एक जीव है, उसके अंदर भी आत्मा है, और उसको आप उसकी माँ से दूर कर रहे हैं, तो आपका फ़र्ज़ है उसको माँ जैसा ही प्यार देना, उसको लव एंड अफेक्शन देना, उसको अपने बच्चे की तरह रखना, जैसे आपने कोई बच्चा अडॉप्ट किया है। तो अगर आप अभी तैयार नहीं हैं किसी बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए, तो ये डॉग को भी बना लाएँ, वो भी एक बच्चे से कम नहीं है। आप तभी लाएँ जब आपका दिल से मन हो, आप ह्यूमैनिटी करना चाहते हो, और आप खुद एक आप शौक रखते हो, या आपके पास मीन्स हो, पैसा हो, आपके पास सर्वेंट्स हो, आपके पास हर तरीके के मीन्स हो जो उसको संभाल सकें, और ख़ासकर जब आपकी फैमिली कोऑपरेटिव हो। ऐसी बहुत फैमिलीज हैं जिसमें एक दो लोग डॉग ले आते हैं, बाकी लोग कोऑपरेटिव नहीं होते और फिर झगड़ा होता है, आपके पर्सनल रिलेशंस भी ख़राब होते हैं क्योंकि बाकी फैमिली मेम्बर्स को डॉग पसंद नहीं, उनकी स्मेल पसंद नहीं, उनका बार बार शिट करने की आदत पसंद नहीं, और आपको पसंद है, पर आपको अपने एंड ऑफ द डे फैमिली मेम्बर्स के साथ ही रहना है। ऐसी फैमिलीज़ में अक्सर डॉग जब कुछ साल हो जाते हैं, 3-4 साल का हो जाता है, 6 साल का हो जाता है, तो वो उसको कहीं भी छोड़ ही आते हैं, या बाहर कहीं भी अबैंडन कर देते हैं, किसी भी डॉग शेल्टरों में छोड़ आते हैं, और डॉग इतना ज़्यादा हर्ट होता है, इतना ज़्यादा वो डिप्राइव हो जाता है लव इन्फेक्शन के, उसका दिल मैं बता नहीं सकता। अगर हमें कोई प्यार करे, हमारे माँ बाप हमें कुछ टाइम रखें और उसके बाद हमें घर से बाहर निकाल दें, हमें कैसा महसूस होगा, वैसा ही उसको भी महसूस होता है। और ऐसी एक आध फैमिली नहीं, ऐसी लाखों फैमिलीज़ हैं जो डॉग्स लाए, शुरू में रखा, और जब वो बूढ़ा होने लगा या उसके कोई बीमारी हो गई जिसमें ऑपरेशन की ज़रूरत है या किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, तो उसको बाहर निकाल दिया। मैं एक अपने फ्रेंड से मिला था, उसको डॉग ने काट लिया था, उसी के डॉग ने, और उस रिवेंज के तौर पे उसने वो उस डॉग को पार्क लेके गई और वहीं पे उसको एक पेड़ से बांधा और वापस आ गई। तो आप ऐसा करके आप उल्टा सिर्फ गुनाह कर रहे हैं, आप ना इससे कोई पुण्य कमा रहे हैं, ना कोई फ़ायदा कमा रहे हैं, सिर्फ गुनाह कर रहे हैं किसी की आत्मा को ठेस पहुँचा के। तो प्लीज़ 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 डॉग जब ही पालिएगा, जब आप दिल से पाल सकते हो, आपके पास मीन्स हो, सब कुछ हो, नौकर हो, पैसा हो, टाइम हो, और मेरी तरह या किसी भी और की तरह बेवकूफ़ी मत कीजिएगा कि अगर किसी फॉर्चून टेलर ने या किसी कुंडली देखने वाले ने या किसी गुरु ने बोल दिया है डॉग पालो, तो आप डॉग पालने जल्दी, आपको पालना ही है, तो स्ट्रे डॉग्स को बाहर खाना खिलाइए, पर किसी जीव के मन में ऐसी आस मत जगाइए कि आपको उसकी आस तोड़नी पड़े। थैंक यू वेरी मच, आई होप मेरी बात आप लोग समझेंगे। मेरा उद्देश्य आपको डिस्करेज करने का नहीं है, मेरा उद्देश्य बस आपको ये बताने का है कि हम अगर कोई भी प्रॉमिस करते हैं या कोई भी लाइबिलिटी अपने से अपनी मर्ज़ी से लेते हैं, तो हमारी ड्यूटी है कि हम उसे पूरी तरह निभाएं, चाहे वो कोई भी है, आगे आपकी मर्ज़ी। थैंक यू।